दोस्तों आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना क्रेज है कि शायद आप भी उससे अछूता नहीं है। आज हर कोई, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो या फिर गवर्नमेंट की या फिर कोई बस ही क्यों ना हो, हर जगह ईवी के बसेज में सवारी करना चाहता है। उसका कारण ये है कि ईवी की बसेज और ईवी की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा बेहतरीन है कि आप उसमें कंफर्टेबिलिटी के साथ बेहतरीन अपने सफ़र का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात आती है ईवी की तो टाटा मोटर्स इसमें कैसे पीछे रह सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टाटा मोटर्स के द्वारा फुली ओन्ड सब्सिडाइज कंपनी TML स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन के CEO से मिलाएंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईवी के अंदर टाटा मोटर्स का आगे का क्या प्लान है और किस तरह से टाटा मोटर्स जो है वो TML स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन के अंदर भारत के विभिन्न शहरों में एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप अथॉरिटी यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आपको TML स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन के CEO आसिम मुखोपाध्याय जी से बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा टाटा का प्लान क्या है ईवी के अंदर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ईवी के अंदर जो टाटा मोटर्स का प्लान है वो क्या है। ईवी इंडस्ट्री हैज बीन growing in more than what was anticipated. In fact, we have seen in the STU segment, the CSL has come with the first tender of 5,450 vehicles. Okay. Subsequent, these two tenders of even a larger size than this has already happened. And the government has a plan of at least being 50,000 vehicles in a span of 2 to 3 years. The way the call of net zero, zero emission vehicles have to be done and climate has become the agenda, I feel this industry growth will have a very multiplier effect. So in fact, Indian industries are also gearing up very well in this direction. The only issue here is the availability of battery cells. Still the battery cells are not manufactured in India. These are imported from China. But many companies, including the Tatas, have already started their battery manufacturing units. I think slowly we will also be producing batteries in large scale. Okay. And definitely we will get into the directions of bringing EV more than that anticipated. I will not be astonished if more than 2 lakhs, 3 lakhs vehicles are on Indian road, EV buses, by 2030. ओके तो अब हम थोड़ा सा और जानते हैं कि जैसे टाटा मोटर्स ने जो TML स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन लॉन्च किया है, इसके पीछे TML का बिजनेस मॉडल क्या है, ये स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन का बिजनेस मॉडल क्या है, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिए। सी, फ्रैंकली स्पीकिंग, TML प्रोड्यूसर्स एंड सेलर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स इन इंडिया। ओके। इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स द व्हीकल्स, बट टुडे we are moving towards a subscription economy where the service segment is there. All right. And TML has also had an experience of catering to this type of business model for the CNG buses, even in Delhi, for 2,500 vehicles. So all this right. gives us confidence to see that we can function as a owned, operate and maintain model, which is called GCC, even various options to it. Maintain and operate, and various hybrid model as is required. It's not the problem of products, it's also a problem of getting into the right financial modeling for this type of business. But this will be ruling over the future business models of the country. Okay. See, currently हमारी TML की 730 electric buses Indian roads में चलते हैं। ओके okay. और ये 730 बस में इलेक्ट्रिक बस जैसा केस में प्रेफरेंस है जो गवर्नमेंट सेक्टर में दैट ये बस ओपेक्स मॉडल में लाइक ओन ऑपरेट एंड मेंटेन ओपेक्स मॉडल में चले। इस मॉडल का कुछ फाइनेंशियल मॉडलिंग सॉल्यूशंस है एंड लॉन्ग टर्म में इट रिक्वायर्स
सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, वो सब हो रहा है. एंड करेंटली हमारे पास 2621 बसेस की ऑर्डर है फ्रॉम डिफरेंट एसटीयूज. दैट्स ग्रेट. मोर देन दैट, बहुत पब्लिक सेक्टर में बिकॉज ऑफ दिस सस्टेनेबिलिटी कॉल, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन में भी दिस बसेस की रिक्वायरमेंट्स है. तो हम लोग इस बसेस का एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं, टीएमएल बस बनाते हैं, टीएमएल स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन, उसी उस बस को चलाते हैं विथ इट्स मे बी आउटसोर्स ड्राइवर्स एजेंसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आवर्स एज वेल एज द मेंटेनेंस. दैट मीन्स एंड टू एंड मेंटेनेंस, इंफ्रा, चार्जिंग, अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर एंड द प्रेफर्ड चॉइस फॉर अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन विद इन द कंट्री. ओके ओके सर, एक क्वेश्चन और आता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है कि जो टीएमएल स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन का डिजाइन किया गया है, ये एक सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल पे डिजाइन किया गया है, जिसमें जो कस्टमर होता है वो जैसे कि डीटीसी दिल्ली के अंदर है वो आपका कस्टमर है, और इसके बीच में एक दूसरी पार्टी भी आती है जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करती है. क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, लेकिन पार्टनर्स बीच में ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए आते हैं. तो अगर किसी बंदे को इस ऑपरेशन का हिस्सा बनना है, अगर किसी बंदे को इसकी पार्टनरशिप करने हैं आपके साथ, तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने सर्विस प्रोवाइडर्स, हमारी चैनल पार्टनर्स है, इस बसेस डिपो में चलती है, क्योंकि डिपो में अपना इंफ्रा, अपना चार्जर्स है. तो हर एक डिपो में हमें डिपेंडिंग ऑन कितनी बसेस एक डिपो में है, एक डिपो में अगर 50 बसेस है, एक 100 बसेस है, हमने अपनी सर्विस प्रोवाइडर्स को लगाते हैं. सर्विस प्रोवाइडर्स डिपेंडिंग ऑन इट्स रेंज, अगर छोटी सर्विस प्रोवाइडर्स है उसमें वर्किंग कैपिटल कम है, वो हमारा छोटा डिपो में काम करेंगे, वो ड्राइवर देंगे, टेक्नीशियन देंगे, उसको हम ट्रेन करेंगे, वो हमारा ही स्पेयर पार्ट्स, हमारा ही कंपोनेंट्स, हमारा ही एग्रीगेट्स लेके काम करेंगे. तो हम उसकी पूरा ट्रेनिंग देंगे. तो फ्रैंकली स्पीकिंग, उसको बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी नहीं है, वो हमको हमारे बिजनेस में सहयोग कर सकते हैं. सो डिफरेंट वे में एक हमारा चैनल पार्टनर बन सकते हैं, हमारा वेंडर हो सकता है, हमारी पार्ट्स की सप्लायर हो सकता है, हमारा इंफ्रा पार्टनर हो सकता है. क्योंकि अभी इंफ्रा तो टाटा पावर हमारी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा ग्रुप में है, या हमारा इंफ्रा पार्टनर है. बट दी सर्विस प्रोवाइडर्स जो एक्चुअली ड्राइवर देते हैं, ऑपरेटर देते हैं, बस मेंटेन करते हैं, टेक्नीशियंस देते हैं, वो एक रास्ता है. उसमें बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकता है. ओके, तो अब हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं. जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो ईवी के अंदर जो आपके बसेस जो दिल्ली में चल रही हैं, ये करंट किस टेक्नोलॉजी पे चल रही है, और आने वाले फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी जिसको टाटा मोटर्स जो है वो अडॉप्ट करेगा और अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की कोशिश करेगा? करेंटली जो बस चलते हैं इंडियन रोड्स में इलेक्ट्रिक में, मोस्टली दे आर Gen 4 बैटरीज, Generation 4. सो Generation 4 बैटरीज को हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांस करके नया CESL टेंडर में Gen 5 बैटरी ला रहा है, जिसके केस में चार्जिंग का कैपेसिटी भी बढ़ेगा, चार्जिंग का टाइम भी रिड्यूस होगा, एंड उसका लाइफ भी, बैटरी का लाइफ भी बढ़ेगा. सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी Gen 5 टेक्नोलॉजी, वो बसेस अभी पहला दिल्ली में आएगा एंड धीरे धीरे सब सिटीज में जाएगा. फर्दर Gen 4 टेक्नोलॉजी में हमने नया बसेस नहीं बनाएंगे, जितनी बनाया वो चलेगा. बट अब तो बसेस को भी हम 12 साल मेंटेन करेंगे, बट आउटपुट वाइज, प्रोडक्टिविटी वाइज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज Gen 5 बसेस विच विल बी रनिंग इन ऑन द इंडियन रोड्स. ओके, जैसे कि आपको पता है कि आज के समय में बहुत सारे लोग जिनके पास ढेर सारे पैसे हैं, वो बसेस को खरीदते हैं और अपनी की ट्रैवल एजेंसी शुरू करते हैं, और वो एक बहुत सारे बसेस को यूज करके और एक ट्रैवल एजेंसी के तहत बहुत सारी कंपनियों को, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विस देती है. लेकिन वहीं पे अगर हम ईवी सेगमेंट की बात करें, यानी कि टीएमएल स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन के द्वारा जो बसेस प्रोवाइड किया जा रहा है, इनकी बात करें, तो ये उन कंपनियों से किन किन जगह पे बेहतर है, किन किन जगह पे हम उनसे बेटर अपने आप को मानते हैं? सी, एक चीज तो है क्लियर, या आज क्लाइमेट के द्वारा हमें इलेक्ट्रिक बस पे, चाहे दूसरा ऑल्टरनेट फ्यूल की बस पे जाना ही है.
तो चाहे प्राइवेट ऑपरेटर हो, चाहे टीएमएल स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन, हमारी बैंडविड्थ ज्यादा होगा, हम देश में 10,000, 15,000, 20,000 बस चला पाएंगे। राइट। लेकिन एक छोटा ऑपरेटर अगर 50 बस चलाना चाहते हैं, वो भी अपना फाइनेंस लेके, हम बस को फाइनेंशियर को सेल कर देंगे, वो उस बस को लीज में ले लेंगे और हमको वो बस को मेंटेन करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए देगा, चाहे उसका अपना ट्रेनिंग लेके वो अपने से करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक बस कोई मामूली चीज नहीं है, उसके लिए ड्राइवर से लेके टेक्नीशियंस के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जरूरत है। हम लोग स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत काम कर रहे हैं, वो स्किल डेवलपमेंट सिर्फ अपना लोगों के लिए नहीं भी है, टोटल कंट्री के लिए जो भी हमारे ऑपरेटर्स है, जो भी ड्राइवर्स है, उसको प्रॉपर स्किल दे सकते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिक गाड़ी चला सकते हैं, वो हम कोशिश करते हैं। तो हमको लग रहा है छोटे से बड़े मीडियम सब काइंड ऑफ ऑपरेटर इलेक्ट्रिक बस में काम कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी का धंधा तो फाइनेंस ही होता है, हर फाइनेंस भी इसमें अवेलेबल। जी जी जी, जैसे कि हम, ये भी पता है कि कुछ समय पहले जब ईवी बसेस इस तरह से ब्रॉड लेवल पे लॉन्च नहीं किया गया था, तो बहुत सारे लोग जो थे वो नॉर्मल बसेज में सबका ट्रेवल करते थे, जैसे डीजल बसेज हो गई या फिर सीएनजी बसेज हो गई, तो वहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन जनरेट होता था उनके प्रॉफिट मार्जिन में, और अभी जो हमारा करेंट प्रॉफिट मार्जिन है, इनमें से कौन सा प्रॉफिट मार्जिन, किस में कितना बेहतर प्रॉफिट मार्जिन है, ये मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई बंदा आता है इस बिज़नेस के अंदर तो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन को समझना ज़रूरी हो जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ईवी में प्रॉफिट कैसे ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, और जो ओल्ड बसेस, ओल्ड मॉडल्स थे, उसमें प्रॉफिट मार्जिन का क्या सीन है, थोड़ा सा इसके बारे में आप एलोबरेट कर दीजिए। इस पर्टिकुलर मामले को बोलने के लिए हमको थोड़ा डिटेल में बोलना पड़ेगा। पहला क्या है, डीजल की जो बसेस है उसकी कॉस्ट और हमारी ईवी के जो बस की कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना है। ओके। लेकिन इस बस की कॉस्ट काफ़ी तरह से कम हो जाएगा क्योंकि हमारा बैटरी कॉस्ट घट रहा है। बिल्कुल। सो आज के दिन में जो जिसको हम 5x बोलते हैं, वो 5x जाके 3x 2x में भी हो जाएगा, तो हम ज़्यादा इसमें आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहा है। सेकेंडली क्या है, डीजल की अवेलेबिलिटी, डीजल की कॉस्ट वो बहुत दिक्कत है। लेकिन इंडिया चूंकि एक कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री है, सनलाइट मिलता है, रिन्यूएबल एनर्जी मिलता है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग पावर की कॉस्ट इसमें ज़्यादा नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म में हम तो अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट पॉल्यूशन, हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म में इसकी कॉस्ट डीजल से कम ही होगा। जी। और शुरू के टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगा, बट उस प्रॉब्लम टैकल हो जाएगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी वेंचर के लिए हमने नहीं लगता है ये इसका इलेक्ट्रिक बस में कोई कम है, रदर इसमें साइज ऑफ द केक बड़ा हो सकता है। ओके। अब सर आपसे एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे इकोसिस्टम को देख रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे थे टीएमएल स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे हमें कई तरह की बसेज दिखी थी, तो यहाँ पर आपके बसेज के टाइप क्या है, किस किस तरह के बसेज आप लॉन्च कर रहे हैं और इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या है, थोड़ा सा आप उसके बारे में प्रकाश डाल दीजिए। जी, बेसिकली हम टीएमएल से बस लेते हैं। ठीक है। हमारी करेंट रेंज में 4x12, 9x12, 9x9 के तीन बसेस अवेलेबल है। बाकी बहुत सारी बसेस भी बन रहा है, हमने एक क्लोज नहीं है, बट करेंटली दीज आर अवेलेबल रेंजेस, ट्राइड टेस्टेड ऑपरेटिंग इन ऑन इंडियन रोड्स। ओके। ओके सर, थैंक यू। सो आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से टीएमएल स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन ना सिर्फ देश के लिए काम कर रहा है, बल्कि हर एक जन के लिए काम कर रहा है, बेहतर ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो या फिर बेहतर एनवायरनमेंट की, इस बात को टाटा से बेहतर और कौन समझ सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि टीएमएल स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन है क्या और ये किस प्लान के तहत, किस बिजनेस मॉडल के तहत आपके एरिया में, आपके इलाके में काम कर रहा है, और किस तरह से आप भी अगर इसके साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ करके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा इसी तरह की शानदार वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।